हेलो दोस्तों, आज आप लोगों ने जो एक रिक्वेस्ट की थी मुझे मेडिटेशन पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं मेडिटेशन पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये मेडिटेशन मैं खुद बचपन से कर रहा हूं। कितनी उम्र से? मैं 8th क्लास में था, लगभग 12-13 साल का था, तब से मेडिटेशन कर रहा हूं। ये वाला नहीं, मैंने बाद में से चेंज किया अपनी नीड और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तब कोई कुछ संस्था वाले आए थे, उन्होंने हमारी क्लास में सिखाया था और तब से मैं इसे करते आ रहा हूँ। और मेरे जीवन में मेडिटेशन का बहुत महत्व रहा है। मेरा जो शुरुआती स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, और उसके बाद की मेहनत और जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं, उनमें मेडिटेशन का डेफिनेटली रोल रहा है। तो क्यों ना मैं आपसे ये बांटूँ, मैं आपको सिखाऊं। इसके पहले मेडिटेशन साइंटिफिक है या नहीं मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो मेडिटेशन को आप किसी भी रिलीजन से मत जोड़िए। किसी भी रिलीजन के लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। आप देखें तो मेडिटेशन जितना भारत में है उससे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इसे करने लगे। होता क्या है मेडिटेशन में? रिसर्च कहती है कि हमारा जो फ्रंटल एरिया है ब्रेन का, हमारा ब्रेन इस तरह से है ना, तो जो आगे का एरिया है वो है फ्रंटल एरिया। वहां पर कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे तय होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस मीन्स हमारा इंटेलिजेंस, हमारा एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा, हम कैसे इंसान होंगे, यह सब कुछ तय होता है फ्रंटल एरिया से। साथ ही साथ में हमारा फोकस, एकाग्रता। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपनी ब्रेन सेल्स को जो रेस्ट देते हैं, जो ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ा पाते हैं फ्रंटल एरिया में, उसकी वजह से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका मेंटल पीस अचीव होता है, आप शांत होते हैं, आप संघर्षों में, थकावट में, मानसिक थकावट में, दुखों में बेहतर व्यक्ति बन पाते हैं, उसको बेहतर ढंग से डील कर पाते हैं। तो मेडिटेशन के अनेक फायदे हैं, हाँ, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि कुछ चमत्कारिक रूप से आपको कुछ भगवान भगवान बना देने वाला, ऐसा नहीं है। लेकिन मेडिटेशन यदि आप डेली करेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड की SIP होती है ना, कुछ वैसा है, थोड़ा थोड़ा सा रोज करते रहेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। एक चीज और, मेडिटेशन के लिए कोई भी एक टाइम मत बनाइए कि मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में ही करना है। ऐसा करने से आप इसे रेगुलर नहीं कर पाएंगे आजकल के बिजी शेड्यूल में। तो बेहतर ये होगा जब आपको वक्त मिले, जितनी बार वक्त मिले उतनी बार मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी पोजिशन में। जरूरी नहीं है कि वो सन्यासियों की तरह पालथी मारकर ही बैठा जाए, आप आराम से रिलैक्स बैठकर भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, गृहणियां, या आप अपने ऑफिस में ऑलरेडी वर्क करते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं कहीं भी कर लेता हूं, कई बार तो मैं कार में बैठकर कर लेता हूं, कई बार मैं ऑफिस में कर लेता हूं, लेकिन मैं डेली करता हूं कई सालों से। तो चलें मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मैं जैसे पहले करता था उसे मैंने बदलाव किया एक बच्ची के केस के बाद, जो कि मेरी किताब सही के हीरो में भी मैं ठीक हूं कहानी में दी हुई है। उस किताब का मैं लिंक डाल दूंगा, आप में से जो चाहें वो ले सकते हैं। तो वो उस बच्ची को क्या था, गुलेन बारे सिंड्रोम था, सांस नहीं ले पाती थी और मेरे अंडर में 2 महीने तक एम्स में भर्ती थी। और उसके बाद वो ठीक हुई वेंटिलेटर पर रहकर। तब उसने जो मुझे कहा था उसको मैंने अपने मेडिटेशन में डाला। तो वो क्या है, वो ये है कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम आप एक काम करें, पहले ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद दोबारा इस पार्ट को दोबारा सुनना खुद मेडिटेशन करते हुए और इसको अपनी लाइफ में उतारना। तो आप आंख बंद करेंगे, बैठ जाएं रिलैक्स होकर कहीं भी या लेट जाएं, ठीक है। और अब आंखें बंद कर लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथ हाथ पर रह सकते हैं तो बेहतर होगा, या आप रिलैक्स इस तरह से रखे रह सकते हैं या इस तरह से रखे रह सकते हैं। आंखों को बंद कीजिए, अब महसूस करेंगे आप कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके दिमाग के लिए बेहद जरूरी है, आपकी खुशियों के लिए बेहद जरूरी है। और अब आप धीमे धीमे सांस लेते हुए दिमाग के इस हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। समथिंग लाइक दैट। और हर सांस के साथ ऑक्सीजन आपके दिमाग को सप्लाई होती जा रही है, जो कि आपकी जीवन के लिए बेहद अहम है। और फिर धीमे धीमे सांस छोड़िए। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, ना ही सांसों की गति पर ध्यान देना है, बस धीमे 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 महसूस करना है कि जीवन दायिनी, आपकी खुशियों के लिए जिम्मेदार, आपकी कोशिकाओं के लिए जिम्मेदार ऑक्सीजन आपके ब्रेन को पहुंच रही है, जो कि बहुत जरूरी है और जिसे आप कितना भी ले सकते हैं इस प्रकृति से, लेते जाइए।
और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ेंगे वैसे वैसे रिलैक्स होते जाएगी बॉडी, और हर सांस में फिर धीमे धीमे ऑक्सीजन नाकों से, नाक से नॉस्ट्रिल से दोनों आपके ब्रेन में पहुंच रही है, और इसे आप करते रहिए 10 से 15 बार, 5 बार, 10 बार, जितना आपको समय मिले, जितना आप कंफर्टेबली इसे कर पाएं, बस इतना करना है। आप देखेंगे कि धीमे धीमे आप यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, आपको एक अजीब सी फीलिंग, एक प्लेजरेबल गुदगुदी जैसी फीलिंग आपको फ्रंटल एरिया में होने लगेगी। ठीक है, धीमे धीमे कुछ महीनों में कुछ लोग अचीव कर सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ साल में ये महसूस होगा, और जब ये महसूस होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आप दुखों से कम दुखी हो रहे हैं और खुशी में कम खुश हो रहे हैं। आप मोह में जो जो आप जिम्मेदारियां तो बेहतर निर्वहन कर रहे हैं लेकिन दुखों से बहुत अटैच नहीं हो रहे, एक तीसरा व्यक्ति बनकर आप जीवन को देखने लगे, थर्ड पर्सन की तरह आप देखने लगे। और मैं ये किसी भी बुकिश रूप से नहीं बता रहा, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, और ना ही ये बोल रहा हूं कि आप हमेशा मेडिटेशन, जरूरी नहीं है ना किसी रिलीजियस पद्धति या किसी सन्यासी से ही सीखा जाए। मेडिटेशन और कुछ नहीं, अपने दिमाग को रिलैक्स करने, कोशिकाओं में ब्लड फ्लो बढ़ाने, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त मल्टीपल कामों में लगा हुआ है, सांस की मसल्स को ऑर्डर कर रहा है, हाथ की मसल्स को ऑर्डर कर रहा है, कहीं आप कुछ सोच रहे हैं आर्थिक रूप से तरक्की, कहीं एग्जाम का, तो इन सब से रिलैक्स करके सिर्फ फोकस करता है आपके जो जीवन के लिए सबसे जरूरी मिनिमल जरूरत जिन चीजों की उस पर। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा इसे करते रहिए 5 से 10 मिनट कुछ महीनों कुछ सालों तक, और मुझे फीडबैक दीजिए, कुछ समझ ना आया हो तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।